हेलो दोस्तों, काव्य किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ग्रेवी वाली अरवी, इसको कहीं कहीं घुइयां भी बोलती हैं। तो ये हमने 500 ग्राम लिया है, इसको हमने बॉयल कर लिया है, इसको हमने ओवर कुक नहीं किया है, इसको हमने इतना बॉयल किया कि इसके छिलके निकल जाएं बस। तो और इसको हमने इसके बाद इससे फोक की सहायता इसमें छेद बना लिए देखिए, ताकि इसके अंदर अच्छे से मसाले जा सकें। और ये मैंने दो प्याज लिया है जिसको हमने पीस लिया है, ये टमाटर लिया है हमने दो बड़ा टमाटर, उसका पेस्ट तैयार किया है। ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, नमक लाल मिर्च कसूरी मेथी, और ये मूंगफली का पेस्ट है, इसकी जगह आप काजू का भी पेस्ट ले सकती हैं। और ये धनिया पाउडर है, गरम मसाला, हल्दी पाउडर है, और ये भुने जीरे का पाउडर है, और ये हमने अजवाइन तेज़पत्ता हींग ले रखा है, और ये मस्टर्ड ऑयल, और ये थोड़ा फ्रेश दही है, बिल्कुल खट्टा नहीं है, एकदम ताज़ा दही है ये। तो ये हमने आधी कटोरी दही ले रखा है। तो सबसे हम पहले घुइयां फ्राई करेंगे। ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम ये हींग डाल देने थोड़ी, उसके बाद ये जो हमने घुइयां ली है अरबी, इनको हम फ्राई करेंगे। तो इनको ये गोल्डन होने तक इसको फ्राई करना हमें। ये देखिए अरबी का कलर चेंज हो चुका है, अब इनको हम अच्छे से निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे कच्चा भी ऐसे फ्राई कर सकती हैं, बॉयल ना करके। ये देखिए इसमें हमने ऑयल कम कर दिया है, अब हम ये इसमें तेज पत्ता हींग और अजवाइन डाल दे रहे हैं। हींग अजवाइन अच्छे से चटक गया, अब हम इसमें ये प्याज का पेस्ट डाल रहे हैं। इसे हमें लगातार स्लो आंच पे इसको हमें भूनना है। देखिए प्याज पक गया, कलर इसका चेंज हो गया। देखिए इसने साइड से ऑयल भी छोड़ दिया। अब हम इसमें अदरक लहसुन और जो हरी मिर्च का पेस्ट है वो हम डाल दे रहे हैं, इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए ये लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट भी अच्छे से भून चुका है, और इसमें अभी ये टमाटर का पेस्ट डालेंगे। और ये हमने जो मूंगफली का पेस्ट लिया था वो हम डाल रहे हैं, इससे इसकी ग्रेवी थिक होगी। आप इसकी जगह काजू का पेस्ट ले सकती हैं, या खरबूजे के जो बीज होते हैं उसके भी पेस्ट ले सकती हैं पीस करके उसका। अब इसको हम स्लो आंच पे अच्छे से पकाएंगे मसाले को। ये देखिए इसमें अब हम इस टाइम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। इसमें ये हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, और ये जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर आएगा, और ये गरम मसाला, नमक, तो नमक आप स्वाद के अनुसार डालिए। और ये कसूरी मेथी हम डाल रहे हैं। अब हम ये सारे मसाले एकदम मीडियम फ्लेम पे इसको हम भूनेंगे अच्छे से। दही हम अभी नहीं ऐड करेंगे, दही हम बाद में ऐड करेंगे जब सारे मसाले भुन जाएंगे तब। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है, और इसने देखिए साइड से तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें ये दही डालेंगे और हमें लगातार चलाते रहेंगे, नहीं दही फट जाएगा गर्म होने की वजह से। तो इसको हम लगातार चलाते हुए दही पकाएंगे। और दही सॉरी मसाला भूनने हम 20 से 25 मिनट तक इसको हमने भूना है, तो स्लो आंच पे ही मसाला भूनिए, तभी इसकी सब्जी अच्छी बनती है। तो इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए अच्छे से ये दही डाल के हमने मसाला भून लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो पानी हम थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि ये मूंगफली की वजह से इसकी ग्रेवी ठीक होगी। तो इसमें हम 2 ग्लास के करीब डाल लें पानी, और आप ग्रेवी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो इसको अब हम एक बॉयल आने देंगे। देखिए ग्रेवी में उबाल आ चुकी है, अब इसमें हम ये अपनी अरबी डाल करके और हम 5 मिनट के लिए इसको पका लेंगे।
इसको हम हल्के हाथ से ही चलाएंगे। ये देखिए ये दम अरवी बनके तैयार हो गई है। ये ऐसे आप ग्रेवी वाली आलू अरवी भी बोल सकते हैं। ये बिल्कुल दम आलू की तरह ही बनती है और उसका टेस्ट भी वैसा ही होता है। तो आप इसे चावल रोटी किसी से भी खाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने अनुभव भी हमसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।